سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. कल की हदीस बाकी रह गई थी, इसका आखिर का हिस्सा जो बड़ा अहम है। नुमान इब्ने बशीर रदी अल्लाहु अन्हु से जो रिवायत है के बारे में बताया था कि अंसार में पहला बच्चा मदीना मुनव्वरा में जो पैदा हुआ था वो नुमान इब्ने बशीर रदी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत थी। वो हदीस का आखिरी टुकड़ा ये है कि लोगों गौर से सुनो, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों गौर से सुनो। इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, इदा सलाहत सलाहल जसद कुल्लु, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। वइदा फसदत फसद अल जसद कुल्लु, और जब वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वही अल कल्ब, वो है दिल। तो ये पूरा एक कायदा, इस्लामी कायदा, दीनी कायदा बता दिया। बहुत ही अहम टुकड़ा है ये। बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को उन चार पांच हदीसों में से कहा है जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। गालिबन उसमें एक वजह यह भी है कि इसमें इस बात को वाजे किया गया है कि असल इंसान के दिल का दुरुस्त होना है जो दीन में मतलूब है। दिल के दुरुस्त होने से मुराद ये है कि उसका अंदरून दुरुस्त होना। बहुत सारे लोगों के दिल में हार्ट अटैक होता है, वो उनका दिल भी दुरुस्त हो सकता है, उलमा के भी हो जाता है, तो वो वाला ख़राब होना नहीं है जो डॉक्टरी एतबार से कि भाई इनके दिल में छेद है या इनका हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लॉकेज है, वो वाला ख़राब होना या वो बिगड़ना मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ अंदरूनी तौर पर बनना बिगड़ना मुराद है। जो इरादा इंसानी रूह जो असल चीज है, तो और जो बातिन है, तो वो दुरुस्त हो जाता है इंसान का अंदरून, तो फिर इंसान का जाहिर भी दुरुस्त हो जाता है। और वो बातिन अगर बिगड़ जाता है तो जाहिर भी बिगड़ जाता है। इंसान का पहले दिल बिगड़ता है, दिल के इरादे बिगड़ते हैं, दिल के जज्बात बिगड़ते हैं, ख्वाहिशात बिगड़ती हैं, फिर वो आदमी गलत सोचने लगता है, सोच उसकी गलत हो जाती है, फिर उसके हाथ गलत इस्तेमाल होते हैं, पांव गलत जगह पर जाते हैं, आंखें गलत देखती हैं, मुंह से अल्फाज, जबान से जो निकलते हैं वो जहरीले या फितना फैलाने वाले या अजियत पहुंचाने वाले होते हैं, तो कान से वो गीबतें सुनता है, बुरी चीज़ें सुनता है, आँख से बुरी चीज़ें देखता है। तो यही बात फरमाई गई है। इससे ये मालूम हुआ कि हमें अपने दिल को बनाने और दिल को सेहतमंद रखने की फिक्र करना चाहिए। इसमें ये बात वाजह कर दी गई है। अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत में पूंज भी किसी की होगी कि तुम कल्ब सलीम लेकर आए कि नहीं आए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सलीम, उस दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे, वो आदमी कामयाब होगा जो अल्लाह के सामने कल्ब सलीम लेकर हाजिर होगा। सलीम के मायने सालिम, सालिम और सलीम एक ही मायने में, यानी तंदुरुस्त। और तंदुरुस्त दिल का मतलब वही दीनी एतबार से, अंदरूनी एतबार से वो सही दिल लेकर आए। ये नहीं कि तुम हार्ट अटैक क्यों लेकर के आ गए, वो वाली बात नहीं, वो अल्लाह ताला उसमें नहीं पूछेगा। वो तो जिस्म ही रहा, वो जो दिल का एक जाहिर चीज़ है ना, वो
कि इसके दिल में ये बीमारी है, वो अलग बात है जो डॉक्टर लोग तजवीज़ करते हैं कि ये सब बीमारी हो जाएगी तो कामयाब नहीं होंगे, वो वाली बात नहीं है। मतलब वो जो इरादे हैं, दिल के ख्यालात हैं, जज्बात हैं, दिल में ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है, तो आखिरत में अल्लाह ताला फरमा रहा है जो अच्छा दिल लेकर आएगा, पाकीज़ा शफाफ, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत समाई हुई होगी, वो कामयाब होगा। तो ये अल्लाह ताला ने वाजे फरमा दिया। अब इसको कैसे संवारा जाए दिल को? बहुत सारे लोगों को आप हाथ रोक लेंगे, आप बांध के रख देंगे, पांव बांध देंगे, लेकिन उनका दिल नहीं बना है तो वो तोड़ देंगे रस्सियां, तमाम पाबंदियां तोड़ देंगे। वो ऐसा दूसरा तरीका इख्तियार कर लेंगे जराइम करने का, क्राइम करने का, कि इंसान सोच नहीं सकता कि सारी पाबंदियां तो लगा दी थी हमने। अपने बच्चे को आप कैसे ही आप मार लीजिए, कैसे ही रोक लीजिए, लेकिन अगर उसका दिल पाकीज़ा नहीं है, उसका अंदरून बिगड़ा हुआ है, तो वो नहीं सुधरेगा। तो दिल को बनाने की फिक्र करना चाहिए। अब दिल के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भी वही उसूल हैं। एक आलिम ने बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि जो जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, बस वो उस किस्म के कर लीजिए। तीन चीज़ें होती हैं तंदुरुस्ती के लिए। इंसान का जिस्म सेहतमंद कैसे रहता है? अच्छी ग़िज़ा लेता है, खाना खुराक अच्छी का मतलब साफ, और जो अंग लगने वाली, हजम होने वाली, जिस्म को मुआफिक होने वाली, वो ग़िज़ा खाता है, तो फिर वो जिस्म सही रहता है। जैसे दूध अगर किसी को मुआफिक आए, गोश्त है और जो सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब सही तरीके से लेता है, तो जिस्म तंदुरुस्त रहता है। और दूसरा उसूल क्या है तंदुरुस्ती का? दूसरा उसूल ये है, मुजिर चीज़ों से बचना, ज़रर पहुंचाने वाली। अगर किसी को ठंडी चीज़ों से नुकसान होता है, उससे बचेगा वो, किसी को गर्म से नुकसान होता है, उससे बचेगा। बताते ना डॉक्टर, ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, सड़ी गली चीज खाने से बचेगा, जिससे जिससे बीमारियां पैदा हो जाए, मच्छर मक्खी से बचेगा, और जो जरासीम है, ऐसा पोल्यूशन वाला माहौल है, वहां से बचेगा। क्योंकि तो ये चीजें जाकर इंसान के जिस्म को तबाह कर देती है। आजकल इंसान का जिस्म क्यों तबाह है? एक तो सही गिजाएं भी नहीं जा रही, सारी गिजाएं वो खाद से बनी हुई मिलावट वाली है, और दूसरी यह है कि पूरा जो है माहौल वो गंदा है, पानी में शफाफियत नहीं है, खाने में शफाफियत नहीं है, और ऐसे पूरे में धुआं ही धुआं, पोल्यूशन है, मच्छर मक्खियां हैं। तो ये दो चीज़ें उसूल की। और तीसरी बात क्या है कि अंदर जो बीमारी हो गई है उसका इलाज करना तंदुरुस्त रखने के लिए। जैसे पथरी पड़ गई है किसी के, पीप हो गई है किसी के, कोई चीज़ खून खून गाढ़ा हो गया है, तो उसका पतला करना, तो इलाज और बुरी चीज़ों को निकालना, तो ये तीन उसूल हैं। ऐसे ही समझो दिल के भी उन आलिम इब्नुल कय्यिम हैं, उनकी बात में तशरीह कर रहा हूँ, उनकी बात की, फरमाया दिल के लिए भी ऐसे ही समझ लो, सही ग़िज़ाएँ खाएँ हम। दिल की ग़िज़ाएँ कौन सी है? ये मछली, अंडा, दूध, ये नहीं है। उसकी दिल की ग़िज़ा क्या है? नमाज, रोज़ा। अब हम रोज़ा रखेंगे ना तो जिस्म तो भूखा रहेगा, लेकिन दिल को ग़िज़ा मिलेगी, दिल खाएगा वो। कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करेंगे, सदका व खैरात करेंगे, अंदर से खुशू खुजू होगा, अल्लाह ताला से मुनाजात होगी, दुआ करेंगे हम अल्लाह तबारक व ताला से, दीन की खिदमत करेंगे, दीन की नुसरत करेंगे। दीन के काम करना मतलब यही चीज़ें दिल की ग़िज़ा हैं। अब फजर की नमाज़ पढ़ ली ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये दिल की ग़िज़ा हमने ले ली। अगर फजर की नमाज छूट जाती तो समझो खाना छूट गया।
ये दिल हमारा दुरुस्त रखने के लिए ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो इबादात का निज़ाम बनाया है, जिक्र का, कुरान का, तिलावतों का, तस्बीहात का, दुआओं का, ये अगर हम इसमें कोताही कर देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, समझो एक खाने का एक अहम हिस्सा हमने नहीं लिया, हिसाब आज का अंडा हमारा वो छूट गया एक, तो क्या होता है इंसान तो का जिस्म महसूस कर लेता, अगर नाश्ता नहीं दोगे जिस्म को तो क्या कमजोरी आ जाती है ना, फिर खाना भी नहीं दोगे और कमजोर हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग देते ही नहीं है दिल को गिजा, दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, तो दिल क्या हो जाता है, अब कई दिन तक नहीं खाना खिलाओ मरियल हो जाएगा, मर भी बैठ जाएगा इंसान, ऐसे दिल भी होता है मर जाता है मरियल हो जाता है। फिर जिंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है वो, तो एक तो दिल की गिजाएं सही लेना, फिर दूसरा क्या उसूल था जिस्म का वो यहाँ भी लागू किया जाएगा, मुजिर चीजों से बचना, नुकसान दे जैसे गंदे पानी से, सड़ी गली चीजों से, या ऐसी गिजा से जो नुकसान पहुंचाती जो हमें मुआफिक नहीं आती है, जहरीली चीजें हैं उनसे बचना होता है, तब तो तंदुरुस्त रहता है। अब दिल भी ऐसे ही तंदुरुस्त, आप गीबत वाले माहौल में ना बैठिए, आप गंदी फिल्में ना देखिए, गंदी तस्वीरें ना देखिए, गंदे गाने, मोबाइल जो है ना ये तो दिल को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा जरासीम है, जिसने सारे लोगों के दिलों को बर्बाद कर रखा है। तो गीबत सुनना, गलत सोहबत में रहना, गलत सोच होना, ये सब दिल को, समझो हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सड़ी चीज खा रहे हैं, अब क्या होगा सड़ी चीज खाने जिसम बीमार हो जाए, ये सारी चीजें सड़ी चीजें जा रही है ना, गीबत सुन रहे हैं हम, फिल्में देख रहे हैं, और उरिया और नीम बरहना तस्वीरें देख रहे हैं, और ऐसी ऐसी नाविलें पढ़ रहे हैं, या गलत बदमाशों की सोहबत में रह रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या होगा, हमारा दिल बीमार हो जाएगा, इन चीजों से बचना पड़ेगा, तो जब ही तो दिल दुरुस्त रहेगा। और तीसरी चीज ये है कि कुछ ना कुछ तो पैदा हो ही जाता है जिसमें पीप है, बुखार है, तो अब उसके लिए टॉनिक लेना पड़ती है, ऐसे ही अब दिल को सही करने के लिए, फिर भी ख्याल रखने के बावजूद भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो उनके लिए इलाज करना, उसके डॉक्टर होते हैं, इसके भी डॉक्टर होते हैं, इसके डॉक्टर कौन होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे जो बताते हैं ना, मतलब कि तुम इतनी बार ये पढ़ा करो, तुम इतनी कुरान की तिलावत किया करो, तुम अपने माहौल को छोड़ दो, तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा दिल दो, तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, जो उलामा रब्बानी होते हैं या जो मशाइख होते हैं, तो वो फिर दिल के डॉक्टर होते हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि दिल के डॉक्टरों की तरफ रुजू करें, कोटा में अल्लाह के नेक बंदे हों, बुजुर्ग हों, हजरत जी हों, या आप जिसको भी हजरत समझते हो, हर एक के हजरत जी अलग होते हैं, तो मतलब जो अच्छे हैं जिनसे आप ताल्लुक रखते हो, जिनको आप बड़े मौलाना समझते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर कई होते हैं, तो ऐसे ही आदमी अलग अलग डॉक्टरों की तरफ रुजू कर लेता है, तो ऐसे ही इसमें भी आप कोई किसी आलिम की तरफ रुजू कर सकता है, कोई किसी आलिम की तरफ रुजू कर सकता है, लेकिन बहरहाल वो रुजू करना जरूरी है, नेक लोगों की सोहबत में बैठना जरूरी है, उनके सामने अपनी बीमारियां, किताब हमारे अंदर ये है, दुनिया की मोहब्बत है, तो अब फिर वो देते हैं, दवा देते हैं कि साहब आप सदका खैरात करो, या आप ये जो हराम तरीके से कमाया जा रहा है इसको रोक दो, वो अलग अलग तरीके से तरबियत करते हैं, हकीम होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी जिस्म में एक टुकड़ा है दिल, वो अगर दुरुस्त हो जाता है तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, इसी के लिए पूरी शरीयत है, पूरा दीन है, ये हमें भी चाहिए कि हम अपने दिल को दुरुस्त करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दुआएं सिखाई हैं, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को ना गुमराह कर जबकि तूने हिदायत दे दी है, वहब लना मिन लदुनका रहमत से नवाज, तो दुआ के अल्लाह हमारा दिल दुरुस्त रखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ अल कुलूब सर्रिफ कुलूबना इला ताअती, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह मेरे दिल को इताअत की तरफ मोड़ दे,
ए दिलों को उलटने पलटने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपनी ताअत की तरफ साबित कदम अपने अपनी ताअत पर साबित कर दे। सबसे जल्दी बदलता है ये जिस्म, तो बड़ी देर से मुतासिर होता है। जैसे आपने एक बार गंदा पानी पी लिया, कोई ज़रूरी नहीं बीमार हो जाए, बहुत देर के बाद असर होता है जिस्म में। दिल पर तो इतनी जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है दिल, तो फौरन उसका असर पड़ता है। हो सकता है आप अच्छे चल रहे हो और यानी 5 मिनट के अंदर अंदर आपका दिल खराब हो जाए। तो इसलिए की ज़रूरत है कि हम अपने दिल के बारे में मुतवज्जे रहें, हर वक्त उसका जायज़ा लेते रहें, उसकी नीयतों को दुरुस्त करते रहें। कि माल की मोहब्बत तो नहीं है किसी से हसद। दिल की बीमारियां क्या होती हैं? माल की मोहब्बत है, अल्लाह से बदगुमानी है, लोगों से जलना है, हसद है, बुग्ज है, गुरूर है, घमंड है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये दिलों के रोग हैं। शिर्क व कुफ्र है, अल्लाह ताला के बारे में सही अकीदा नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही अकीदा नहीं है, इनकी मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत समाई हुई है, पैसे की मोहब्बत समाई हुई है, यही सब दिल के रोग हैं। तो अगर ये दुरुस्त नहीं होगा दिल, ये बीमारियां सारी होंगी तो इंसान दुरुस्त हो ही नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपना दिल दुरुस्त हो जाएगा तो सब दुरुस्त हो जाएगा, और अगर ये बीमार होगा, यही सारी चीज़ें बीमारियां होंगी, हसद है, गुरूर है, तकब्बुर है, दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, बदगुमानी है, निफाक है, तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब होने के लिए दिल को इन सब चीज़ों से पाक करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपना दिल दुरुस्त करें, अल्लाह ताला हमारा दिल दुरुस्त कर दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबी व अला आलिही व सहाबी।